अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ चॉकलेट ओरियो केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए थोड़े से इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे। लास्ट रेसिपी सिखाई थी चॉकलेट स्पंज केक की, जो मैंने डार्क चॉकलेट केक बनाया था। तो इसके साथ मैं ओरियो केक बनाऊंगी। दूध में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, ताकि हमारा अच्छे से केक मॉइस्टी और जूसी बने। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से दूध डाल दिया था। हम ओरियो केक बना रहे हैं, इसलिए हमें ओरियो बिस्किट चाहिए होंगे। 8 से 10 ओरियो बिस्कुट को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। व्हिप्ड क्रीम को मैंने अच्छे से व्हिप्ड कर लिया था, उसके अंदर मैंने इस तरह से सारे चॉप किए हुए ओरियो बिस्किट थे, मैंने सारे ग्राइंड किए हुए थे, उसको अच्छे से पहले छान लिया था। फिर मैंने ओरियो बिस्किट को व्हिप्ड करने के लिए क्रीम में ऐड करके अच्छे से व्हिप्ड कर लिया था। तो हमारी बहुत अच्छी सी ये व्हिप्ड क्रीम बन गई थी ओरियो बिस्किट्स की। तो इसको मैं केक पे लगाऊंगी अच्छे से व्हिप्ड करने के बाद। मैंने तमाम व्हिप्ड क्रीम को इस तरह से नोज़ल में एक फिल कर लिया था। अब इसके साथ मैं केक के ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। तमाम लेयर लगाने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर दूंगी। नोज़ल से लगाने से ये होता है कि काफ़ी थिक होती है क्रीम, तो उसकी वजह से फिर आसानी हो जाती है हमें इसको तमाम क्रीम को स्प्रेड करने में। तो मैंने फिर इस तरह से पैलेट नाइफ की मदद से मैंने इस तरह से तमाम केक की लेयर को स्प्रेड कर लिया था। हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। फिर हम स्पंज केक अगेन रखेंगे, उसको फिर दूध के साथ वेट करेंगे, ताकि हमारा अच्छा मॉइस्टी ओरियो केक बन जाए। तो मैंने इस तरह से दूध वाला मिक्सर डाल दिया था, और इसके ऊपर फिर मैं अगेन एक लेयर लगा के फिर मैंने स्प्रेड कर ली थी। तो ये चीज़ आपने रिपीट करनी है, तीनों लेयर्स पे अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है, ताकि ये इक्वल आपका केक बैलेंस हो जाए। जब आप ऊपर टॉप लेयर लगाएंगे तो आपका केक जो है बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि अनइक्वल हो। इसी तरह मैंने थर्ड लेयर भी लगा के इसको मैंने अच्छे से बैलेंस कर लिया था, और फिर मैंने इसके ऊपर दूध डाल के अच्छे से फिर स्प्रेड कर दिया था, और फिर मैंने फाइनल लेयर लगा के इस तरह से अगेन फिर स्प्रेड कर लिया था अच्छे से और इक्वल कर लिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ओरियो केक बन जाता है। आप इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी थिक होती है ये क्रीम, क्योंकि हमने ओरियो बिस्किट इसमें चॉप करके डालते हैं, तो जब क्रीम में ये जाते हैं तो ये थोड़े से फूल जाते हैं ओरियो बिस्किट, तो जिसकी वजह से क्रीम काफ़ी थिक हो जाती है। थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जिस वक्त आप जो बिस्किट हैं आप क्रश करके जब क्रीम में डालेंगे, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको फौरन आप केक पे लगा दें। तो इस तरह से मैंने सारी तरफ से केक को कवर कर लिया था, और चॉकलेट गनाश से मैंने इस तरह से इसकी ड्रिपिंग कर ली थी कॉर्नर्स पे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये केक इस तरह से लगता है जब हम इसको ड्रिपिंग करते हैं। तो लास्ट में मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग की मदद से इस तरह से ऊपर से डिज़ाइनिंग कर ली थी इसकी। इसमें मैंने तमाम ओरियो बिस्किट वाली फिलिंग डाल दी थी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ऊपर ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं। तो लास्ट में मैंने ओरियो बिस्किट वाला जो क्रश किया हुआ ओरियो बिस्किट था, वो मैंने छान के इस तरह से ऊपर डाल दिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डस्ट करके लग रहा है। तो इसके बाद मैंने फाइनल में चॉकलेट ओरियो बिस्किट जो है, मैंने उसको आधा आधा काट के फिर इस तरह से मैंने इसको ऊपर डेकोरेशन इस तरह से कर ली थी। आप डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता डिज़ाइनिंग करने का, बस आपकी प्रैक्टिस होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका हाथ मज़ीद नीट होता जाएगा। आज मैंने आपके साथ ओरियो केक की रेसिपी शेयर की। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।